महाराज जी, जो शोभा यात्रा निकल रही है, ये शोभा यात्रा का क्या मतलब है और कहां से कहां तक जाएगी? है आज मेला क्षेत्र में लगे हुए श्री ज्योतिषवी शंकराचार्य प्रतिवर्ष बाद आज इस वर्ष प्रथम बार गंगा पूजन के लिए जाना पड़ेगा संगम भाषण गौर के शिविर। यहाँ से निकल करके शिवरम निवास से टीटी रोड से दाहिने कोर्ट रोड, कोर्ट रोड से फिर देवड़ी रोड पर बांध, बांध से नीचे अपर संगम मार्ग से संगम तक जाएंगे। वहाँ गंगा जी का पूजन आरती करके फिर अपर संगम मार्ग से ही चलते हुए प्रशासन पंडाल के सामने से 3 नंबर पुल काली सड़क पर कोतवाली के सामने चलेंगे। वहाँ से 3 नंबर पुल से पार करेंगे और फिर लोअर संगम मार्ग से घूम करके संगम की तरफ फिर त्रिवेणी रोड पर आकर के वहाँ से त्रिवेणी रोड पर चल करके शिविर तक आएंगे। गंगा सफाई में आप क्या कहेंगे? गंगा सफाई बहुत आवश्यक और राजीव की सरकार से लेकर के आज तक की सरकारों ने काफी पैसा खर्च किया, लेकिन उसका जो मिलना चाहिए लाभ नहीं मिल पाया है। वर्तमान सरकार ने हजारों करोड़ दिया, फिर अभी कुछ नहीं हो पाया, बल्कि इस वर्ष के उसने विभाग ने 2600 करोड़ रुपया शासन को वापस कर दिया। हम अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, कम से कम नहीं खर्च पाए तो उसको शासन को वापस कर दिया। और नहीं तो जैसे अब तक बंदरबाट होता रहा है उसे खत्म हो जाता। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गंगा के लिए सबसे प्रथम गंगा जल की
मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। टेहरी से लेकर के राजघाट नरोरा तक हर बांधों से, हर बैराजों से कम गंगा जी का 50% जल गंगा के खाता में प्रवाहित होना चाहिए। ये गंगा की अविरलता होगी। गंगा माँ में स्वतः शक्ति है, थोड़ा बहुत प्रदूषण उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालता, जल का प्रवाह यहाँ चलता है। गंगा जी अपने को शुद्ध कर लेते हैं। जन समाज का भी कर्तव्य है कि गंगा किनारे मलमूत्र का त्याग न करें और पूजा पाठ सामग्री जो कुछ होती है उसको गंगा जी में न डालें, उसको बल्कि वही शिविर में खोद के गाड़ते हैं। और भी बाहर से आने वाले जहाँ तहाँ शौचालय के लिए बैठ जाते हैं, उसके लिए भी जिला प्रशासन को चाहिए कि हर एक मोहल्ले मोहल्ले में क्या कहते हैं उसको सेक्टर सेक्टर में कम से कम 100-100 शौचालय घर घर के बनाए और जिसका प्रयोग जन समाज कर सके। देख रहे हैं हम इस वर्ष भी है, शिविरों का जो नल का निकला हुआ पानी है, बर्तन धोने का, नहाने का, खिखारने का, थूकने का, मंजन करने का, सब पानी पाइप से सीधे गंगा जी में डाला जा रहा है। मेला प्रशासन को चाहिए उसको न करें। हर शिविर का पानी पहले छोटी छोटी मोटर लगा करके उसी शिविर में फैला दिया जाता था, जिससे धूल धक्कर न उड़े, पानी का भी सदुपयोग हो जाता था और वो पानी गंगा जी में नहीं जाता था। मैंने पर साल भी पिछले साल भी कहा था, परंतु साधुओं की बात आज सुनता कौन है। प्रशासन प्रशासन होता है, उसमें लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं तो अपने मन से करते हैं। महाराज जी ये बताइए कि जो स्नान माघ का स्नान है, इसमें श्रद्धालु क्या करे जो उनको पुण्य मिले? गंगा स्नान करें, अधिक से अधिक अपने इष्ट मंत्र का जप करें, सत्संग करें, मुख्य कार्य तो यही है। बचे तो कुछ दान करें, ना बचे तो भजन और सत्संग और निर्वाह ना करके रहें। गंगा मोक्षदायिनी कही जाती है, तो कैसे आदमी की दूर से आता है, क्या करे कि उसके पापों को माँ गंगा हर ले और उनको मोक्ष मिले? श्रद्धालु कहीं का भी हो, वो आकर के गंगा जी में मौन हो करके शरीर के हलचल को बचाते हुए डुबकी लगावे, स्नान करे, उसके लिए यही मोक्ष का साधन बन रहा है। मोक्ष कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है कि गंगा माई दे देगी, उसके चित्त में अच्छे विचार उठाएं, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपने संप्रदाय में निष्ठा रखते हुए अपना भी कल्याण करें और जनसेवा भी।